मैडम चुटबल के आप इस तरफ आइए जल्दी। उधर नीचे उधर, ये क्या किया तूने? एक्सीडेंट जी। अच्छा, इसे एक्सीडेंट नहीं कहते हैं। तुझे गाड़ी के टायर के नीचे कुचल के जाऊंगा तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा, समझ गए? ए मिस्टर, गाड़ी उसने नहीं चलाई थी, मैंने चलाई। डॉटर ऑफ विजय चामुंडेश्वरी, माधुरी इंडस्ट्री। ओह आई सी, तुम हो, तुम्हें पहले नहीं देखा, ये मेरी बड़ी भूल थी। देखा होता तो मेरे पिताजी इतने बढ़िया ऑफर को कभी नहीं ठुकराते। व्हाट आर यू टॉकिंग? इन दोनों उंगलियों में से किसी एक को पकड़। आई वोंट टच यू। मैं ट्राई करता हूं ब्रदर। दैट्स गुड। माय गॉड, ये उंगली पकड़ता तो तेरी पिटाई करनी पड़ती, और अगर ये उंगली पकड़ता तो माधुरी को चुम्मा देना पड़ता। बेबी आई कांट हेल्प इट, तुम्हारे ड्राइवर ने इसे पकड़ा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हेलो ब्रदर, इन दोनों उंगलियों में से एक को पकड़ो, मैं बताता हूँ। मैंने पकड़ी थी ना, अब तुम पकड़ो, कुछ नहीं होगा। पकड़ो भाई पकड़ो। ओह माय गॉड, इस उंगली को पकड़ते तो इसे किस करने की इजाजत दे देता। इस उंगली को पकड़ा, अब तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। क्यों रे तेरी ये हिम्मत? हैं हैं, मेरा गला पकड़ता तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलता, लेकिन तूने मेरा कॉलर पकड़ा। देखिए, ये सब घर पर मत बताना। ठीक है। ओफो, इट्स ब्लीडिंग। एक मिनट रुको। तुम मिनिस्टर के बेटे हो, ये जानकर भी उसने तुम पर हाथ उठाया, क्यों? तुम क्या चाहते हो, उसका मर्डर करवा दूं? नहीं डैड, उसे मेरे पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ, तुम पत्थर की मांग कर रहे हो। इतना ही नहीं, चामुंडेश्वरी जी की बेटी माधुरी के साथ मेरी शादी भी करवानी होगी। वो हमारी लेवल की नहीं है। माधुरी की ब्यूटी ऑल इंडिया लेवल की है डैड। सुनिए, ये हमारा इकलौता बेटा है, इसकी बात मान क्यों नहीं लेते? ओके, उसके लिए एक सीढ़ी क्या, 100 सीढ़ियां भी नीचे उतरनी पड़े, उस विजय चामुंडेश्वरी से मैं हाथ मिलाऊंगा। ए, निकल बाहर। क्यों सर? पहले थाने चल, फिर बताता हूँ। रामू को क्यों ले जा रहे हैं? तुम दखल मत दो, चाहे तो अपनी मम्मी से बात कर लो। हेलो। हेलो मम्मी, मैं माधुरी, पुलिस रामू को अरेस्ट करके ले जा रही है। मैं सब जानती हूँ, मिनिस्टर ने मुझे फोन पे बताया था, मैंने कहा जो जी में आए वो आप कर लीजिए। तुम ऑटो से घर आ जाओ। मॉम, आई डोंट लाइक दिस, आई एम गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। माधुरी, हेलो। यही है ना? यस डैड। फिजिकल पावर के साथ मेंटल पावर भी है शायद। सर, इसकी खबर हम ले लेंगे, आप जाइए। इस बदमाश का सर झुका के मेरे बेटे के कदमों पर रख दो, वो पिट देख कर मैं चला जाऊंगा। मेरा सर झुकाने की कोशिश की तो यहाँ सबके सर कट जाएंगे। मैं खाना खा के नहीं जीता हूँ, सारे देश की पॉलिटिक्स खा के जीता हूँ। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, असेंबली में बैठने के बजाय तुम पुलिस स्टेशन में बैठे हो, तब भी मैं समझ गया। शट अप। सर आप जाइए, इसे मैं देख लूंगा। सर नो 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 नो, मुझे डिस्कशन से एक्शन बहुत पसंद है, पहले उसका सर। Ha!
सलाखों के पीछे से बात करने वाला नहीं हूँ, अब मुलाकात कोर्ट में ही होगी। सर वो कोर्ट की बात कर रहा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मौसी बड़ा सा एक नारियल देना। ये क्या, जब चाहो जिसी चाहो रिश्तेदार बना लेता है। तुम्हें सासू तो नहीं कहा ना? जॉन ले लूंगी। ये क्या मौसी, ला मुझे दो। झटके से फोड़ा है, पानी फवारे की तरह बाहर निकला है, इसलिए तो रामू मुझे पसंद है। एक और चाहिए? ये नहीं, गन्ना खाना चाहती हूँ। हाय भैया। चलो। लो खाओ। लेकिन इसे कैसे खाएंगे, चाकू तो नहीं है? भगवान ने इंसान को जब 32 दांत दिए तो चाकू की क्या जरूरत, लाओ दे दो। छे छे, उसका झूठा क्यों खा रही हो? कितना मीठा है मम्मी। स्टूपिड, उसका झूठा है। सो स्वीट। सच क्या, मुझे भी थोड़ा दो। बस भी कीजिए, छोटे लोगों की छोटी हरकतें हैं। बैठिए गाड़ी में। तुम भी मुझे गन्ने छिल के खिलाओ ना। गन्ने का छिलका नहीं, तेरी खाल उधेड़ता हूँ। चले ऐसे। ओफो, अब क्या हो गया? लगता है ट्रैफिक जाम हो गया। हे भैया, क्या हो गया? आगे का ब्रिज टूट गया है, आज के लिए बस इतना ही। कल सवेरे ऑफिसर्स की मेहरबानी होगी, तब आगे गाड़ियां बढ़ेगी। मगर सारी रात कहाँ बिताएंगे? लारी के नीचे थोड़ी जगह होगी, देखते हैं। आप जाकर सो जाइए। वो बिल्डिंग क्या है? आरएनबी गेस्ट हाउस है। आरएनबी गेस्ट हाउस यानी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का यानी हमारा। चलिए आज की रात वहीं बिताते हैं। छोटी मट के संभल के चलिएगा, कहीं से घर के गिर न जाइएगा। माधुरी, माधुरी। बाबूजी, इस जंगल में जंगली जानवर भी होंगे ना? नहीं यार, सलमान और ऐश्वर्या है, हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसके भैया में। चल माधुरी। ए, टार्जन की तरह क्यों चिल्ला रहा है? जो जानवर सो रहे हैं वो भी उठकर हम पर हमला कर देंगे। मेरी बात सुन, एक घंटा यहाँ बैठकर जाकर बोल देंगे वहाँ कोई नहीं मिला। ना जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हें डर रहा हूँ। बस चुप भी करो, तुम एक बात जानते हो? क्या? मैं जानबूझ के फिस ली थी। सच में? हाँ। दादा चिल्ला मत। छोटी मालकिन, अपनी माँ को सताने का क्या यही तरीका है? कहाँ आके फंस गया? क्या कर रहे हो? लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ, जंगल में आग लगाने से जानवर पास नहीं आते, इसलिए। जानवर के नाम से याद आया, इस वक्त मेरी मम्मी क्या कर रही होंगी? जल रही होगी। माधुरी मिल गई। वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा है, इसलिए हम लोग वापस आ गए। वो रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता तो होगा। जंगल में जंगली जानवर नहीं, बोर्ड लगा हुआ है। जंगल में जानवर नहीं तो क्या इंसान होते हैं? फूल, मेरे फूटे करम, आप इस तरह बैठेंगे तो कैसे चलेगा? कुछ कीजिए ना, आधी रात होने को आ गई। मैं क्या करूं? तू हमेशा पैसे की बात करती है ना, सूर्य भगवान को 1,00,000 रुपए घुस देता ना, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा ही कहेंगे, इसीलिए मिनिस्टर साहब को ट्राई करी थी मदद के लिए। वो लाइन पर नहीं मिल रहे, सेल भी काम नहीं कर रहा है। भेजा तो काम कर रहा है ना, सुबह बस पकड़ के चले जाएंगे। माधुरी को छोड़कर कैसे जाएंगे? आप लोग इतना क्यों घबराते हैं? रामू बहुत अच्छा लड़का है, सारी रात बिटिया की देखभाल करेगा और सुबह ले आएगा। इसको मैंने पहले कहीं देखा है, जिंदा भी है कि दोनों मिलके यहीं पे मर गए हैं। चलो देखते। उठो उठो, वरना मैं तुम्हें 500 ही मार दूंगा। अरे तुम जिंदा हो? ठीक है, तुम दोनों को देखने से तो शहर के लगते हो, अच्छा भला शहर छोड़ के जंगल में आ गए। वो क्या हुआ कि रात को? बोलो मत, मैं सब समझ गया, तुम दोनों भाग के आए हो, भाग के आए हो। बकवास मत करो, समझे? तुम रुको। अच्छा भाई साहब, हम लोग अभी है कहाँ? जंगल में।
तुम्हें देखते ही हम जान गए कि हम लोग जंगल में हैं। जंगल के सारे रास्ते जानते हो? अरे भाई, जंगल के रास्तों की बात करते हो, मैं तो इस जंगल का शहंशाह हूँ। अजीब इंसान है, जरा रास्ता दिखाओगे? फॉलो मी। तुम्हें इंग्लिश में? शट अप। माय गॉड, टाइम हो गया, माधुरी अभी तक नहीं आई। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, मिनिस्टर के घर पहुंचना है। मैं बस में चली जाऊंगी, माधुरी के आते ही आप लोग साथ में आ जाइएगा। अरे थोड़ा सब्र तो करो। मालकिन, वो देखिए। कहाँ चली गई थी तुम? शुक्र है आ गए। अरे वो लोग आए नहीं, मैं बताता हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, वो जंगल में बेहोश पड़े थे। कौन हो तुम? अरे कौन क्या हूँ, पान बेचता हूँ। ये बताओ, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। ये तुम्हारा दामाद है? Shut up, हमारा नौकर है। गबरू जवान है। जब मैं रात को ये क्वार्टर चढ़ा के सो गया, सुबह उठ के देखा तो फर्स्ट नाइट की तरह हाथ पे हाथ डाल के, पैर पे पैर डाल के, दोनों लिपटे हुए सो रहे थे। नहीं क्या भाई, बोलो। और उसके बाद? और उसके बाद जो होना था हो गया। ये क्या चीज है भाई, मुझे छोड़ दे। Stop it. What nonsense are you talking? अरे जब ये दोनों लिपट के सो रहे थे, वो गलत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो नॉनसेंस हो गया क्या? मेरा मुंह आकाशवाणी है, जब तक दूसरों को बोलूंगा नहीं चैन नहीं मिलेगा। कहाँ है लोग? लोग कहाँ है? बताऊंगा सबको जाके। ये ले ले, आप भी क्वार्टर हो क्या? ले ले, रख ले। अरे दारू पी के मैं बहकूंगा, मैं बहकूंगा। ये क्या सिस्टर, इतना टेंशन में रख दिया? कल सुबह ही निकलने वाली थी ना, क्या हुआ? सच बताएं हम या फिर झूठ बताएं? तुम पुलिस स्टेशन में और कोर्ट में सच ही बताते हो, फिर शादी के मंडप में झूठ क्यों बोलोगे? बोलो। देखिए, क्या बोलोगी? चलो आइए, चाहे वो बताइए, मैं उसमें छुपाने वाली बात क्या है? रास्ते में एक ब्रिज टूटा और ट्रैफिक जाम हो गया, इसलिए तो कार और गाड़ियां भिजवाई थी मैंने। तुम लोग कहाँ थे? वो अरे मुझसे पूछो ना, मैं बताता हूँ। मम्मी से संभालिए। अरे मेरी बात सुन, बेचारे ने पी रखी है। अरे चल चल चल। अरे दारू की बात क्या, मैं बताता हूँ। क्या बताएगा? अरे सच्चाई बताने दो। क्या बताएगा? अरे वही जंगल में मंगल था, हाथ पे हाथ, पैर पे पैर लिपटे हुए। अगर तू कुछ नहीं बताएगा तो? अरे नहीं बोलूंगा तो फील करेंगे। बोलोगे तो हम भी फील करेंगे ना। अरे तेरी फीलिंग अलग है भाई। जा केक पे और मार ले जा।